हाय एवरीवन, आज हम करने वाले एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप जो आप किसी भी फेस्टिवल ओकेजन में, आप अपने घर में अगर हैं लॉकडाउन में, तो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है और ये लाइक इट्स गो टू वेयर मेकअप। आप कभी भी अगर कहीं पे डे टाइम पे भी जा रहे हैं तो भी आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी द मेकअप कैसे करते हैं। इस्तेमाल करने वाले हैं द वन का फेस प्राइमर, ओके, जिसकी वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको स्वेट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ जुदानी गोल्ड का सीसी क्रीम इन द शेड नेचुरल। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ द वन का एवरलास्टिंग प्रिसीजन कंसीलर इन द शेड डार्क बेज। और ये मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स और अंडर आई में जो डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ओके, अब अंडर आई एरिया को थोड़ा सा हल्का सा लाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ द वन का अगेन दूसरा कंसीलर है इन द शेड लाइट न्यूड। अब हमने कंसीलर लगा लिया। कंसीलर लगाने के बाद में अब हम पूरे फेस को अच्छे से सेट कर देंगे और जहाँ जहाँ पे हमने कंसील किया उसे सेट कर देंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ द वन का वेट एंड ड्राई वाला जो पैलेट है, जिसके अंदर हमें ब्लश का बहुत ही ब्यूटीफुल सेट मिल रहा है, राइट। सो उसमें से मैं ये जो डार्क ब्राउन वाला जो शेड है वो यूज कर रही हूँ एज अ ब्रॉन्जर अपने फेस को ब्रॉन्ज करने के लिए। सेम पैलेट से मैं यूज कर रही हूँ लाइट ब्लश, ओके, सो ये वाला शेड मैं यूज कर रही हूँ। सो अब हम जाते हैं हमारे आई मेकअप के लिए। सो सबसे पहले मैं अपने आईलिड को पहले मैं प्राइम करूंगी अच्छे से। सो मैं उसके लिए सबसे पहले यूज कर रही हूँ आईलिड पे द वन का कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूड। आप ये फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं। कंसीलर यूज़ करने से बेसिकली आपका जो आई मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, स्टे करता है अच्छे से। कंसीलर लगाने के बाद अब हम इसे एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर देंगे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक ब्लैक कलर का काजल। सो आप कोई भी ब्लैक काजल ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये क्रीम प्रोडक्ट है तो आपके फिंगर से बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। ऑलराइट, सो उसके बाद में इसको अब मैं सेट करूंगी एक आई शेडो शेड से जो मैं ले रही हूँ रॉ कॉपर, ठीक है। सो इसे हमें सिर्फ इसके ऊपर पैक करना है अच्छे से, तो एक फ्लैट ब्रश के मदद से मैं इसे पैक कर दूंगी।
मैंने इनर कॉर्नर में बहुत ज़्यादा कलर नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज मुझे अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा लाइट रखना है। अगर आप इसको लाइट रखते तो आपकी आईज़ और ज़्यादा ब्राइट और बड़ी दिखती है, तो मैंने कलर नहीं लिया। मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, ये ब्लेंडिंग ब्रश में मैं सेम वही कलर ले रही हूँ जो मैंने अपने फेस पे ब्रॉन्ज करने के लिए यूज़ किया था, ये डार्क ब्राउन वाला शेड। ठीक है, ये शेड का नाम मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी। सो इसे जितने भी हार्श एजेस हैं मैं उसे डिफ्यूज़ कर दूंगी, सो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, कोई हार्श एजेस नहीं रहेंगे। अपने लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम लगा रही हूँ। ओके, सो लोअर लैश लाइन के लिए मैं ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो हमें इस पैलेट के साथ में मिलता है, राइट? सो उस पर मैं ले रही हूँ सेम रॉ कॉपर वाला शेड जो हमने अपने आईलिड पे लगाया था। अब नेक्स्ट मैं एक ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे, सेम फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं उसके लिए। डन, सो हमारा आई मेकअप इज डन। अब इसे हम फिनिश कर देंगे एक अच्छे से आईलाइनर के साथ में। मैं आईब्रो फिल करने के लिए मैं इसमें से डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, द वन के पैलेट से, स्मोकी न्यूड पैलेट से। सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ लाइटर शेड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैनिला या शैम्पेन कलर है, मैं उसको यूज़ करूँगी अपने इनर टियर डक्ट पे यूज़ करने के लिए। सो मैं इसी में के ब्रश यूज़ कर रही हूँ, स्पॉन्ज टिप यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें से लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश। ऑलराइट, सो आई एम डन। अब मैं थोड़ा सा अपने फेस को हाईलाइट कर लेती हूँ। हाईलाइटर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेकअप पैलेट से, ये जो सबसे लाइटर शेड है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर हाइलाइटिंग माय फेस, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश। ऑलराइट, सो आई एम सेट एंड नेक्स्ट इज लिप लाइनर। तो मैं सबसे पहले अपने लिप्स को अच्छे से लिप लाइन कर लूँ। ओके, एंड जो लिपस्टिक मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है जियोदानी गोल्ड का लिप एलिक्सर लिपस्टिक इन द शेड कोरल हिबिस्कस। ऑलराइट, सो ये है हमारा कंप्लीटेड लुक। एक सिंपल सा मेकअप जो आप किसी भी फेस्टिवल ओकेशन में आप इसे वेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और जितने भी ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे सो बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।